ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण सहमी हुई है, तो वहीं चीन में एक नए वायरस के संक्रमण ने वहां के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को इसके बारे में परेशान कर दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह वायरस COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस जितना खतरनाक नहीं है। चीन में कोरोना वायरस के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच इस वायरस के बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं। इसके कारण चीन में एक इंसान की मौत भी हो चुकी है। हंता वायरस कितना खतरनाक है और इसके क्या हैं लक्षण, यह सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है हंता वायरस? कोरोना वायरस के कारण चीन पहले ही परेशान था, लेकिन चीन के यूनान में हंता वायरस के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार हंता वायरस चूहों और गिलहरियों के संपर्क में आने के कारण फैलता है। अभी तक किए गए शोध के अनुसार यह वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता और ना ही एक इंसान के दूसरे इंसान के संपर्क में आने पर फैलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चूहा या गिलहरी के संपर्क में आता है तो उसे यह वायरस हो सकता है। क्या है हंता वायरस के लक्षण? हंता वायरस के लक्षण को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार जब कोई इंसान हंता वायरस से संक्रमित होता है तो उसे 101 डिग्री के ऊपर बुखार होता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द रहता है और इसी के साथ साथ सर में भी दर्द रहता है। इसी के साथ उसको उल्टियां होती हैं और त्वचा पर लाल दाने उभरने लगते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक इसके संक्रमण को रोकने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टरों के द्वारा यह भी कहा गया है कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत